वैसे ही है, आवाज अकेडमी वालों की ना एक ये टैगलाइन भी है, एक टेस्ट जो आपको बनाएगा बेस्ट। टेस्ट का लेने का हमारा जो मेन पर्पज है वो एक ही है कि हम बच्चों की प्रतिभाओं को जांच करके पेरेंट्स को भी अवगत कराएं कि आपके बच्चे में ये पोटेंशियल और ये बच्चा इस फील्ड में बेटर कर सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा पढ़ ही रहा है, लेकिन जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि हमें किस चीज़ की हमारे अंदर कमी है। इसमें हमारे 8th क्लास में जो बच्चे भी पास आउट होंगे वो लेकर 12th तक के जितने बच्चे हैं जो पास आउट होने वाले हैं वो सभी बच्चे एग्जाम्स दे सकते हैं। अब सपने लेना अलग बात है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो मेहनत की जरूरत होती है वो बच्चों को करनी पड़ती है। बच्चों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज जो है वो जस्ट एक नंबर है। तो जब मैं एक प्लस टू में फेल होकर भी इतना सब कुछ कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो टेस्ट है वो सिर्फ टेस्ट टेस्ट नहीं, करियर काउंसलिंग भी रखी गई है। जो बच्चे 8th क्लास से लेकर 12th क्लास में हैं या पास आउट होंगे उन सभी बच्चों को एग्जाम देना चाहिए। हजारों बच्चों के बीच में एक तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी प्रतिभा, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, किन किन पॉइंट्स में हमारे अंदर कमी, हम सारा बच्चों को रिकॉर्ड बताएंगे। भाई आज तक आपने सुना हुआ कि नौकरियों के लिए या बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों के लिए आपको टेस्ट देने पड़ते हैं? आपने सुना होगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का कंपटीशन वहां पर होता है। लेकिन भाई अब जो है यही एक टेस्ट है, यही एक तरीका है जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे हरियाणा की हिसार के अवस अकेडमी में। भाई इसके पीछे आप सोच रहे होंगे यार अकेडमियों में भी टेस्ट दे के सिर्फ एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल भाई, अगर अकेडमी अवस अकेडमी जैसी हो तो बिल्कुल टेस्ट देके ही एडमिशन हो सकता है, क्योंकि भाई पूरे हरियाणा से, हिमाचल से, पंजाब, राजस्थान से बच्चे जो है इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आते हैं। उनका उनकी इच्छा होती है, उनका मन होता है कि यहाँ वो पढ़े, लेकिन सिर्फ सिलेक्टिव बच्चों को जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ये नहीं है कि भाई जिसके मन में आया या जो जिसको कोई क्लियर ही नहीं कि करना क्या है उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया, तो लिमिटेड से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको कर लेना पड़ता है यहाँ पर एडमिशन, और एडमिशन लेने से पहले आपको करना पड़ेगा एक टेस्ट क्लियर। वैसे ही है आवास अकेडमी वालों की ना एक ये टैगलाइन भी है, एक टेस्ट जो आपको बनाएगा बेस्ट। अब ये टेस्ट है क्या, कैसे होने वाला है भाई, वैसे कितने साल से चल रहा है, बहुत सारे सवाल हैं दिमाग में, और भाई ये सारे सवाल हम पूछेंगे अवस एकेडमी के डायरेक्टर जो है मेरे साथ हैं, सुरेंद्र पुनिया जी। सर स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर आपका। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, और पूरे हरियाणा वासियों का, पूरे देशवासियों का मैं अवस एकेडमी के इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ। बड़ी भारी सी लाइन लिख रखी है, एक टेस्ट जो बनाएगा बेस्ट, ये लाइन के पीछे का मतलब समझा दीजिए। देखो मैम क्या होता है कि हर फ्रेंड्स पढ़ तो सभी रहे हैं जी। हर कहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा पढ़ ही रहा है, लेकिन जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि हमें किस चीज़ की हमारे अंदर कमी है। जैसे कोई बच्चा बीमार है तो उसको जब तक उसे टेस्ट नहीं होंगे तो उसको कैसे पता चले बीमारी कौन सी है, और बिना टेस्ट के हम ये पता ही बच्चे का ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर एजुकेशन में भी अगर हमें बच्चों को परफेक्ट बनाना है तो पहले हमें ये पता लगाना जरूरी है कि उस बच्चे की प्रतिभा में कहाँ किस पॉइंट पे कमी है, उस पॉइंट को इम्प्रूव करके ही हम उसको अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली भाई, बच्चे का ये पता लगाना कि वो स्टैंड कहाँ कर रहा है, वो उस लायक है भी कि नहीं जिस फील्ड में वो जाने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है, या उसके पेरेंट्स उसे भेज रहे हैं, राइट? बिल्कुल। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, चलो हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे एक मिनट के बाद, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा भी चल रहा है और सारे शायद सारा देश इस चीज़ के लिए चिंतित भी है कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे दबाव में हैं या प्रेशर राइज हो रखे हैं। सबको सभी जगह उम्र भी चल रहा है कि भी बच्चों पर इतना प्रेशर है, कॉम्पिटिशन का इतना दबाव है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मैं सभी इस चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को या सभी बच्चों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपको अपने बच्चे का जो प्रतिभा है उसको परख लें कि हमारे बच्चे के अंदर पोटेंशियल कितना है और उसको किस लेवल तक कि उस बच्चे की तैयारी करवानी चाहिए। अगर हमारे बच्चे का लेवल डाउन है तो हमें उससे रिलेटेड उसको थोड़ा सा उतना ही तैयारी करवाएं जिसमें हमारे बच्चे का करियर ठीक ठाक बन जाए। अब सपने लेना अलग बात है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो मेहनत की जरूरत होती है वो बच्चों को करनी पड़ती है। तो किसी भी पेरेंट्स को मैं एक ही बात कहूँगा कि आप अपने बच्चों पर थोपिए मत कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। पहले अपने बच्चे की प्रतिभा को अच्छी तरह जांच लें कि हमारा बच्चा एक्चुअल में किस काबिल है, किस पोजीशन पे जा सकता है, क्योंकि कामयाबी सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने से नहीं होगा। कामयाबी आप किसी भी फील्ड में ले सकते हो, चाहे वो बच्चा अगर थोड़ी सी कम एजुकेशन भी ले लेगा तो भी कामयाब हो जाएगा। तो ये ईश्वर ने सबकी, जितने भी धरती पे जीव हैं सबका क्राइटेरिया बना के भेजा है। तो आप लोग चिंतित ना हो,
तो हर पेरेंट्स को ये कहूँगा अपने बच्चों पे प्रेशराइज ना डालें। और जैसे बात आती है इंस्टीट्यूट की, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि इंस्टीट्यूट बच्चों को प्रेशराइज करती है कॉम्पिटिशन के लिए, तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई अकेडमी अपना काम कर रही है, बच्चों को देखो कॉम्पिटिशन है नो डाउट, लेकिन उस कॉम्पिटिशन को प्यार से बच्चों को समझा कर अच्छी गाइड करके हर बच्चों को कॉम्पिटिशन पर उतारा जा सकता है। कोई बच्चा उस लेवल पर होता है, कोई बच्चा यहाँ होता है, कोई बच्चा यहाँ होता है, लेकिन हर लेवल पर कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं बच्चा कामयाब हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर भी बच्चों को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। अभी जो 10th बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, प्लस टू बोर्ड की जो परीक्षाएं चल रही हैं, इस दौरान बच्चों पे काफी प्रेशर है, और उससे तो कुछ बच्चों का एग्जाम गलत मतलब कम भी अच्छा भी ना जाए, तो बच्चा बीच में एग्जाम के बीच में डिप्रेस में चला डिप्रेशन हो जाता है कि मेरा तो एग्जाम खराब हो गया, मैं तो डेफिनेटली फेल होने वाला हूँ। तो मेरे बच्चों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज जो है वो जस्ट एक नंबर है। Exactly. आप इसको अपने कामयाबी का या अपने करियर का आप इसको पैरामीटर मत बनाइए। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको भी देती हूँ। सर, आपको याद है आपकी 10th में कितने परसेंटाइल आए थे? मुझे भी याद नहीं है, और मैं अपने बच्चों को ये भी कहता हूँ कि मेरी खुद की प्लस टू के अंदर केमिस्ट्री के अंदर री आई हुई है। ये लीजिए, देता हूँ। ये टीचर हैं, और फिर उसके बाद इन्होंने सीखा है और किया भी है। टीचर भी है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इतनी बड़ी ब्रांचेस बनी हुई है वर्ष की यहाँ पे। तो जब मैं एक प्लस टू में फेल होकर भी इतना सब कुछ कर सकता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? Exactly. अभी तो एक फिल्म भी आई थी प्लस टू फेल वाली, राइट, तो मुझे तो ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो आपने मूवी देखी होगी। तो आप ट्राई करते रहिए, बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, सफलताएं आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वह सफलताएं आपको अच्छी सफलता दिला के जाएगी। इसकी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपना पेशेंस मत खोइए, आप जल्दी क्विक डिसीजन मत लीजिए। तो हर बच्चे से मैं एक ही बात कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कि आपका अगर पेपर गलत भी हो जाए, खराब भी हो जाए, तो घबराना नहीं है, अगले पेपर की तैयारी में लग जाओ, जो होना है वो होके रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो आपका अच्छा आज नहीं तो होने वाला, उससे 6 महीने बाद दोबारा, हर 2 महीने 3 महीने बाद री के एग्जाम होते रहते हैं, 6 महीने बाद दोबारा रिजल्ट बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, जान है तो जान है। तो मेरे बच्चों, कभी भी सुसाइड जैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, आप बढ़िया रहें, पॉजिटिव रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ाई सब कुछ नहीं है, हाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर है लाइफ का, इसके बिना अगर हम शिक्षित नहीं है तो हमारी शायद देश में हमारी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन शिक्षित बनना है, लेकिन उस शिक्षा के चक्कर में अपना करियर या अपना जीवन तबाह नहीं करना हमें। Exactly. तो मस्त रहिए, कोई चक्कर नहीं, अच्छा रिजल्ट जाएगा। अरे भाई, मस्त रहोगे, बिंदास रहोगे ना, तो यकीन मानिए कि सबसे अच्छा काम कर पाओगे, सबसे अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि मैं खुद बैक बेंचर्स में से हूँ, और बैक बेंचर जो है आखिरी के 2 दिन में पढ़ के भी सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले होते हैं। रीजन क्या होता है कि वो बिंदास रहते हैं, मजे से पढ़ाई करते हैं, मजे से अपने सारे काम करते हैं, और उसी तरीके से आपको डिप्रेशन में नहीं आना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। खैर, ये तो बात हुई उन बच्चों की जिनके टेस्ट चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, या जो टेस्ट में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब ये टेस्ट कौन से हैं उनके भी बात कर लेते हैं। तो सर, आपका जो एक ये एनुअल मेगा टेस्ट जिसको बोला जाता है, ये क्या है, कौन सी क्लास के बच्चे इसे दे सकते हैं? इसमें हमारे 8th क्लास में जो बच्चे भी पास आउट होंगे, वो लेकर 12th तक के जितने बच्चे हैं जो पास आउट होने वाले हैं, वो सभी बच्चे एग्जाम्स दे सकते हैं। अलग अलग क्लास वाइज अलग अलग टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 8th क्लास के बच्चों को 8th क्लास का सिलेबस पूछा जाएगा, एनसीईआरटी का सिलेबस होगा, बट इसमें कुछ हम कॉम्पिटिशनली कुछ बातें डालेंगे, कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, जिससे हमें उस बच्चे का आईक्यू भी पता चलेगा कि हमारा बच्चा सिलेबस के अलावा कंपटीशन में कहां स्टैंड करता है। और इस टेस्ट का लेने का हमारा जो मेन पर्पस है वो एक ही है कि हम बच्चों की प्रतिभाओं को जांच करके पेरेंट्स को भी अवगत कराएं कि आपके बच्चे में ये पोटेंशियल और ये बच्चा इस फील्ड में बेटर कर सकता है। तो ये जो टेस्ट है वो सिर्फ टेस्ट नहीं, करियर काउंसलिंग भी रखी गई है पेरेंट्स के लिए भी, हम पेरेंटिंग के लिए भी हमने काउंसलिंग रखी है, उसके लिए भी हमारे हरियाणा के जो टॉप मोटिवेटर्स हैं वो भी आएंगे, और बच्चों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग रखी गई है। और ये जरूरी नहीं है कि आप अवर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो ये एक टेस्ट क्यों दें। मैं चाहूंगा कि आप टेस्ट सभी बच्चे दें, जो बच्चे 8th क्लास से लेकर 12th क्लास में हैं या पास आउट होंगे, उन सभी बच्चों को एग्जाम देना चाहिए। हजारों बच्चों के बीच में एक तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी प्रतिभा, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, किन किन पॉइंट्स में हमारे अंदर कमी, हम सारा बच्चों को रिकॉर्ड बताएंगे कि आप हर सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ स्टैंड करते हो। दूसरा कि आप जो बच्चे हैं उनको अगर अवर्स में एडमिशन लेना है तो अवर्स में सिर्फ यहाँ 30% से जो बिलो बच्चे हैं उनको हम गाइड करके भेज देते हैं भी आपको क्या करना है, 30% से कम वाले बच्चों के एडमिशन नहीं होते। और अवर्स में एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया बन चुका है पिछले साल से वो सिर्फ टेस्ट बेस हो चुका है भी। आप अवर्स में एडमिशन लेना चाहते हो सिर्फ ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ये टेस्ट के 2 या 3 चरण रहते हैं, ये पहला चरण है जो आपको पार करना है, इसके अंदर इसके बाद फिर आपको अगले जो बच्चे रह जाएंगे उनके लिए नेक्स्ट टेस्ट की प्रोविजन भी होगा, उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। अभी 17 मार्च को संडे है, आप सबके लगभग बच्चों के एग्जाम 15 मार्च 16 मार्च तक खत्म हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके एग्जाम 20 मार्च 22 मार्च 23 मार्च को है, लेकिन इस संडे वाला दिन वो टेस्ट देके जाएं,
कोई स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी में से पूछा जाएगा। सिलेबस क्या रहने वाला है इसका, ये सवाल मेरे मन में भी था। सिलेबस जो बच्चे भी पढ़ के आए हैं अपना, जो भी इन्होंने पढ़ा है, जैसे किसी ने मेडिकल से नॉन मेडिकल से प्लस वन प्लस टू किए, तो उनको उसी लेवल का सिलेबस पूछा जाएगा। यानी प्रीवियस क्लास जो बच्चे ने रिसेंटली जो क्लास पास की है उसी का सिलेबस आएगा। और बाकी इसकी डिटेल में जानना हो कि किस सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आप हमारी अवर्स अकेडमी का जो कॉन्टेक्ट नंबर आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को मिलेगा उस पर आप सारी जानकारी भी ले सकते हो। और जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप रजिस्ट्रेशन भी अपना इस फोन नंबर के थ्रू करवा सकते हो अगर आप अकेडमी नहीं पहुंच पा रहे। फोन नंबर की बात ये कर रहे हैं वो नीचे फिलहाल स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा है, तो अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी सवाल आपके जहन में है, वो पूछना चाहते हैं कि कहाँ कैसे रजिस्टर करवाएं, और अगर आपको समझ में आ गया तो इस नंबर पे जो है रजिस्टर कर सकते हैं। एंड उसके अलावा सर एक सवाल ये भी कि किस किस फील्ड के लिए जो है हमारा ये टेस्ट होने वाला है, कौन से स्ट्रीम के लिए टेस्ट आप लेना है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये टेस्ट ले तो हम रहे हैं, एडमिशन भी चलो बच्चा ले लेगा अवर्स में, लेकिन उसको जाना किस फील्ड में है और कौन कौन से फील्ड अकेडमी में पढ़ाए अवर्स में लॉन्च किए गए या कौन कौन से फील्ड चल रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये हमारे जो 8th क्लास के बाद 9th क्लास से जो बच्चे यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं उन बच्चों के लिए ईयरली प्लान चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अवर्स की 4 विंग्स हैं अलग अलग। जैसे फर्स्ट विंग जो है हमारी वो गवर्नमेंट जॉब के लिए होती है, HSSC SSC वगैरह के लिए, उसके लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा मेन कोर्स है BSc एग्रीकल्चर में जाना किसी को 10th के बाद, वो 10th वाले बच्चे दे सकते हैं। जिनको एग्रीकल्चर प्लस टू बेस पे जाना, वो एग्रीकल्चर प्लस टू बेस पे एग्जाम देंगे, मेडिकल और मेडिकल के बच्चे। इसी तरह से VLDA VS और जो IIT और NIT के जो एग्जाम्स में बच्चा जाना चाहता है उन सभी बच्चों के लिए ये टेस्ट रखा गया है। उसके जैसे जैसे मार्क्स के हिसाब से क्राइटेरिया के हिसाब से उनको वो फील्ड दे दिया जाएगा बच्चों को। तो ये और डिफेंस के अंदर भी हमारा जो अब विंग चल रही है पिछले 2 सालों से डिफेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है, तो इसमें NDA एयरफोर्स नेवी इन कोर्सेज में भी बच्चा अगर एडमिशन लेना है अवर्स में तो ये टेस्ट देना उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो मैं सभी बच्चों से सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन 15 मार्च से पहले पहले करवा लें, क्योंकि पूरे हरियाणा के हरियाणा ही नहीं राजस्थान जो नज़दीक के स्टेट हमारे लगते हैं, राजस्थान है, जैसे हम बात करें हिमाचल की बात करें, NCR एरिया की बात करें, पंजाब की बात करें, पंजाब का बहुत बच्चा आता है, राजस्थान का भी बहुत बच्चा आज के टाइम यहाँ आ रहा है। जैसे पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके लिए बच्चा तैयारी करने के लिए आ रहा है, IIT NIT के बच्चे भी यहाँ पंजाब के काफ़ी आए हुए हैं तैयारी करने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि सभी बच्चों से कि आप लोग पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, ताकि आपको ऑन द स्पॉट ये ना हो कि आपको सीट ना मिले और आपको अगले टेस्ट का वेट करना पड़े। तो ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो टाइमिंग क्या रहने वाली है और रिजल्ट क्या सेम डे आप उन बच्चों को? हाँ जी, जो टाइमिंग रखा हुआ है 17 मार्च को संडे को सुबह वो 10 बजे का रखा हुआ है, 10 बजे इनकी एंट्री टाइम है, 11 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, 12 बजे तक टेस्ट ओवर हो जाएगा, 12 से 1 बच्चों का करियर काउंसलिंग का सेशन रखा गया है। और मैं ये कहूँगा कि बच्चों के साथ पेरेंट्स भी जरूर आए, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे छोटे एज में होते हैं, वो डिसीजन ले मेकिंग पावर उनकी अच्छी नहीं होती, उनको कोई भी हम बात कहेंगे वो हमारी बात को मान लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं उनके साथ बड़े हों, फैमिली के जो पर्सन है वो उनके साथ बड़े होंगे, तो उनको समझाना और उस चीज़ को क्या फ़ायदा है, क्या प्लस है, क्या माइनस है बच्चे के लिए, वो सारी चीज़ों को देख परख के ही बच्चों को एडमिशन करवाएं, सिर्फ बच्चे को ना भेजें, क्योंकि बच्चों को हम बच्चा क्या है, बच्चा ही है, कच्ची मिट्टी होता है, उसको कोई भी अपने तरीके से मोल्ड कर सकता है। मैं कह दूंगा BSc एग्रीकल्चर कर लो तो हो सकता है बच्चा IIT NIT लेवल का हो, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हम कोई भी टेस्ट दिलाएं तो बच्चे के साथ पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है, ताकि उसके प्लस माइनस सारे पॉइंट्स बच्चे के पेरेंट्स के साथ डिस्कस किए जा सकें, तो आपका भी आना बहुत जरूरी है। चलिए उसके बाद एक आखिरी सवाल भाई, जो मुझ जैसे नालायक है, नालायक मतलब पढ़ाई में नालायक है, वो बच्चे जैसे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जाना किस फील्ड में। अब भी मेरी तो आधे से ज्यादा जो है एजुकेशन इसी चक्कर में निकल गई कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, वो बच्चे भी आपके पास आएंगे, तो उनके लिए क्या आप लोगों के पास काउंसलिंग है, आप उनको किस तरीके से सजेस्ट करने वाले हैं? देखो मैं मैम आपको एक बात बता देता हूँ, कोई बच्चा नालायक नहीं है। अगर आप अपने आप को नालायक कह रहे हो तो मैं नहीं मानता कि आप नालायक हो, नालायक होते तो शायद आज आप मेरा अवर्स अकेडमी के डायरेक्टर का इंटरव्यू ना ले रहे होते। तो कोई नालायक नहीं होता, पढ़ाई में कोई बच्चे का इंटरेस्ट कम होता है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, बस उसी वजह से उसके रिजल्ट अप एंड डाउन चलते हैं, अदरवाइज कोई नालायक नहीं। हमारे देश के सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे देश का भविष्य इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहूंगा कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, सभी आप अच्छे हो, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कुछ चीज़ों पर आप अगर कंट्रोल कर पाएं, अपनी जो दिशाएं हैं, जो कई बार हम डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में भागते हैं, उसको अगर हम कॉन्सेंट्रेट करके एक दिशा में अपने करियर को पे फोकस करें तो हम बहुत जल्दी अपने करियर को बना सकते हैं। तो वो काउंसलिंग सजेशंस रहेंगे कि भाई आपके बिल्कुल लिए बिल्कुल वो करियर काउंसलिंग हमने पूरी टीम हमारी यहाँ करेगी, और उससे एक बड़ा बेनिफिट ये होगा, जैसे मैम ने एक बात कही कि वो किस फील्ड में जाए भी बच्चों को नहीं पता, ये बात आपकी ट्रू है कि 90% बच्चों को ये क्लियर ही नहीं है कि मुझे भविष्य में करना क्या है,
Exactly. वो उसके कोई फ्रेंड कह रहा है उसको कि मैं मेडिकल ले रहा हूँ, तो बच्चा भी उसके पीछे पीछे क्या ले रहा है, मेडिकल. सबसे बड़ा जो आज के टाइम बच्चों पे डिप्रेशन का जो कंसेप्ट बना हुआ है, जो बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कोई नशे की तरफ जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि टाइम रहते उनके डिसीजन गलत हो गए, और डिसीजन गलत होने के बाद वो बच्चे पीछे मुड़ के वापिस नहीं आ पाए और ये कभी लौट भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो टाइम होता है 9th class से लेकर 12th class तक का, ये मेन प्राइम पीरियड होता है. ये 4 साल जो बच्चे के करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला पड़ाव 8th class के बाद स्टार्ट होता है, दूसरा पड़ाव 10th के बाद स्टार्ट होता है. इन दोनों पड़ाव पे बच्चों के करियर टाइम टू टाइम पेरेंट्स करवाते रहें. आवर्स के अलावा कहीं और भी टेस्ट होते हैं, आप सभी जगह टेस्ट दिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बच्चे का प्लस माइनस आप सब देख के चलें, किसी की बातों में ना आएं. अपने बच्चे का अच्छा आप भी सोचेंगे. अवर्स तो हमेशा से बच्चों के वेल विशर में हमेशा साथ रही है, उनके वेल के बारे में हमेशा सोचती रही है, तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि आपका जो वार्ड है, आपका जो चाइल्ड है, वो अच्छी ग्रोथ करे. और जैसे अवर्स का नाम हर बार हरियाणा के हर बच्चों ने और आसपास के जो स्टेट है उनके बच्चों ने वहाँ जाके भी नाम रोशन किया है, इसी तरह से हमारी परंपराएं चलती रहें. भाई ये तो डेफिनेटली ये परंपरा नहीं है सर, अब ये रिकॉर्ड बनता जा रहा है आप लोगों का और कई साल से कंटिन्यू है. वेल भाई अभी फिलहाल जो है ना हिसार की अवर्स एकेडमी में मौजूद हूँ, जिन्होंने, मैं फिर से बता दूं कि जिन्होंने एक सीधी सी टैगलाइन दे दी है, एक टेस्ट जो आपको बनाएगा बेस्ट. कब हो रहा है? 17 मार्च को ये होने वाला है. डिटेल्स जो है सारी डिस्क्रिप्शन में और नीचे आप देख भी सकते हैं कि नंबर्स पर आप कॉल करके यहाँ से पूछ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक्स है और सारी जानकारी जो है मोस्टली वैसे सर ने बता भी दी है. खैर भाई ये जो है आप टेस्ट जरूर देखे, देखिए पहली बात कि आपको पता चलेगा कि कहां स्टैंड कर रहे हैं, दूसरी बात अगर चलिए टेस्ट में पास नहीं भी होते तो एटलीस्ट आपके पास काउंसलर्स होंगे आपके सामने, उनसे आपने जो कंफ्यूजन्स है, जो क्वेश्चंस हैं वो उनसे कर सकते हैं कि भाई हम कहां जाएं, कैसे करें, क्या करें, वो सारे सवाल पूछने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि स्पेशली कोई काउंसलर आपको जल्दी से नहीं मिलता है. तो ये एक बहुत बड़ा फायदा आपको यहां होने वाला है. वेल भाई लगातार अपडेट्स जारी रहेंगे, देखते रहिए सिटी बिग न्यूज. नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.